राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे से थोड़ा पहले इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर एक वीडियो जारी किया है। इसमें बताया गया है कि कैसे ये बनेगा, कितने लोग रहेंगे, कैसे बनाया जाएगा, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, फिलहाल क्या स्थिति है। सबसे पहले देखें इसरो द्वारा जारी किया गया भारतीय स्पेस स्टेशन का ये वीडियो। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का वजन 52 टन के करीब होगा। ये 27 मीटर लंबा यानी 88.58 फीट और 20 मीटर चौड़ा यानी 65.61 फीट का होगा। भारत के स्पेस स्टेशन में आमतौर पर 3 से 4 एस्ट्रोनॉट रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये अधिकतम 6 एस्ट्रोनॉट को रख पाएगा। पहले इसका वजन 25 टन था, इसमें सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट हो सकते थे, वो भी सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए। लेकिन नए डिजाइन में स्पेस स्टेशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी बेहतर बनाया जा रहा है। इसरो चाहता है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 से ऑपरेशनल हो जाए। इस स्पेस स्टेशन में नए प्रकार का यूनिवर्सल डॉकिंग और बर्थिंग सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों के स्पेस क्राफ्ट इसके साथ जुड़ सके। रोल आउट सोलर एरा रोसा होगा, जो जरूरत पड़ने पर फोल्ड किया जा सके, ताकि इसे अंतरिक्ष के कचरे से टकराने से बचाया जा सके। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में 5 मॉड्यूल होंगे। पहला बेस मॉड्यूल, ये 3.8 मीटर व्यास और 8 मीटर लंबा 9,186 किलोग्राम वजनी मॉड्यूल होगा। इसके बाद कोर मॉड्यूल होगा, ये 3.8 मीटर व्यास और 9.25 मीटर लंबा 10,033 किलोग्रामी वजनी होगा। इन दोनों को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। साइंस मॉड्यूल 3.8 मीटर व्यास और 9.25 मीटर लंबा 10,896 किलोग्राम वजनी होगा। लैब मॉड्यूल भी इतने ही व्यास और लंबाई का होगा, पर वजन 10,646 किलोग्राम होगा। CBM मॉड्यूल भी इतने ही व्यास और लंबाई का होगा, लेकिन वजन 10,969 किलोग्राम होगा। इन तीनों को LVM-3SC रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। स्टेशन पर प्रोपेलेंट रिफ्यूलिंग और सर्विसिंग की व्यवस्था होगी। नई तरह से एवियोनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए जाएंगे, साथ ही इनिशियल कंट्रोल सिस्टम होगा। ये स्पेस स्टेशन धरती के ऊपर 400 से 500 किलोमीटर की ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। ऊंचाई में इतना गैप इसीलिए रखा गया है ताकि स्पेस में आने वाले पत्थरों, कचरों और उल्क पिंडों से टकराने की नौबत में इसे ऊपर नीचे किया जा सके। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।